गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे बोलकर वीडियो बना रही हूँ, वरना आप मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, उससे मैंने डायरेक्टली ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा स्टोरी शेयर करूँ। तो मैंने इसे क्यों DIY में कन्वर्ट किया है, इसे क्यों न्यू ड्रेस बनाई है। तो जो आप ये ड्रेस देख रहे हैं ना, आज मैं इसी का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके पीछे की बस यही स्टोरी है कि मैंने कॉलेज जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने लिए एक सूट सलवार बनवाया था। उसे मैंने सिर्फ एक या दो बार पहना होगा, उसके बाद मैंने उसे नहीं पहना। तो एक दिन मैं ऐसे चेक कर रही थी पुराने कपड़े, तो वहाँ मुझे सलवार पड़ा हुआ मिला। तो इस सलवार की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक न्यू ड्रेस बनाई जाए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो इसमें स्ट्राइप्स है ना, यस स्ट्राइप्स प्रिंट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंट्स। तो यही रीज़न था कि मैंने इसे सिलेक्ट किया। और मुझे कब से अपने लिए एक ब्रैप ड्रेस बनानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी सलवार से एक ब्रैप ड्रेस बनाई जाए। तो आगे जाके मैंने आपको वीडियो में पूरी डिटेल से बताया है कि आप कैसे अपने पुराने सलवार से एक ब्रैप प्लस गैदर ड्रेस बना सकते हैं। तो स्लीव देख रहे हैं, मैंने इसी के दुपट्टे से बनाया है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कॉटन का सलवार है, और अब मैं इसकी सारी स्टिचेस रिमूव कर दूंगी। मैंने सारी स्टिचेस रिमूव कर दी हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैं अपर पार्ट बनाऊंगी, तो आप देख सकते हैं ये डबल फैब्रिक है, और मैंने अपर पार्ट के लिए ट्रायंगुलर शेप लिया है सलवार का। 9 इंच का मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। आगे जाके मैं इसका इस्तेमाल रफल के लिए करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने ऊपर के पार्ट की जो लेंथ ली है वो 14 इंच ली है, उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड किया है। मैंने शोल्डर की लेंथ 7 इंच ली है, और फिर नीचे की तरफ 8 इंच मार्क किया। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं इंच टेप को 7 इंच पे रखूंगी, और फिर आगे की और 1.25 पे मार्क करूंगी। ये जो मैं मेज़र मैंने लिया है वो चेस्ट का है, तो मेरी चेस्ट का मेज़रमेंट है 8.25, तो इसलिए मैंने 7+1.25 करके लिया है। और आगे मैं 1 इंच सीम अलाउंस के लिए मार्क करूंगी। यहाँ पे मैंने वेस्ट का मेज़रमेंट नहीं लिया है, क्योंकि जिस वे में मुझे बनाना था वैसे नहीं बना पाई, तो आगे जाके मैंने वेस्ट का मेज़रमेंट ले लिया था। तो आप अपनी वेस्ट का मेज़रमेंट लेके उसमें 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड कर लेना। अब मैं स्लाइटली कर्व ड्रॉ करूँगी नीचे की तरफ।
यहाँ पे 1 इंच का गैप है, आप देख सकते हैं। अब मैं आर्म होल ड्रॉ करूंगी और फिर हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करूंगी और एक लाइन ड्रॉ करूंगी नेक के मेजरमेंट तक, उसे हम स्लांट लाइन भी बोलते हैं। और अब इसको कट कर लेंगे। और ये मुझको मेरे अपर पार्ट को फ्रंट पार्ट मिल गया है। अब बैक पार्ट कट करेंगे तो सेम पहले मैं नीचे की साइड से 9 इंच मार्क कर लूँगी और उस पीस को कट करके अलग कर दूँगी, फिर ऊपर की साइड 15 इंच का मार्क करूँगी जो कि मेरी लेंथ है बॉडी पार्ट की, और फिर फिर सेम रिपीट करूँगी जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था कि शोल्डर लेंथ मार्क करूँगी जो 7 इंच है, फिर नीचे की तरफ 8 इंच मार्क करूँगी, फिर चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे, देन फिर वेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी है जितनी फ्रंट वाले की रखी है। और अब मैं इसका मिड पॉइंट मार्क करूँगी और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और फिर हम आर्म होल का कर्व दूँगी। और अब मैं इसे कट कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब मैं इसका नेक मेजर करूंगी तो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और उसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच ली है और मैं राउंड नेक बना रही हूँ यहाँ पे पीछे। अब मैं इसे कट कर लूँगी और यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूँगी
आप देख सकते हैं मैंने स्टिच लगा दी है। अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट को ज्वाइन करेंगे शोल्डर से। और ये मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैंने आपको आगे जाके बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी वेस्ट का मेज़रमेंट काफ़ी ज़्यादा ले लिया था, तो मैंने यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने आगे आपको बोला था ना कि आप अपना वेस्ट मेज़रमेंट ज़रूर लेना। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने वेस्ट मेज़रमेंट नहीं लिया था तो मुझे दिक्कत हो रही थी, थोड़ा जोन सा आ रहा था, तो मैंने आगे जाके फिर उसका वेस्ट मेज़रमेंट लिया। आप देख सकते हैं मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मैं ऊपर की साइड 1 इंच मार्क करूंगी और एक स्लाइटली कर्व लूंगी ऊपर की तरफ। आप इसे डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पट्टी अटैच करूंगी। अब मैं इसमें बॉटम पार्ट अटैच करूंगी। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने सलवार का रेक्टेंगुलर पीस लिया है और इसे मैं गैदरिंग वाला बना रही हूं, तो इसके लिए मैं इसे ऊपर से रफ स्टिच दूंगी। और मैंने रफ स्टिच दे दिए, आप देख सकते हैं। अब मैं गैदरिंग करूंगी। और ये मैंने गैदरिंग कर ली है, अब मैं इसे अटैच कर लूंगी। और ये मैंने दोनों पार्ट अटैच कर दिए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। मैंने दुपट्टे को डबल फोल्ड कर लिया है। अब फोल्डेड साइड से मैं 5 इंच मार्क करूंगी, फिर 5 इंच से आगे की और 8.25 इंच मार्क करूंगी, जो कि मेरी चेस्ट का मेज़रमेंट है, और उसमें हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए मार्क करूंगी। देन मैं स्लीव की लेंथ मार्क करूंगी, जो मैंने ली है 11 इंच। अब मैं टोटल लेंथ मेजर करूंगी और जितनी ऊपर की तरफ आई है सेम नीचे की साइड भी मार्क कर लूंगी। और अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। देन मैं नीचे की तरफ 3 इंच का मार्क करूंगी। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आप देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ है 9 इंच। और इसका मैं मिड पॉइंट निकालूंगी, वहाँ से मैं आर्म होल के लिए कर्व ड्रॉ करूँगी। आप देख सकते हैं वैसे ये बेसिक स्लीव ड्राफ्ट है। जो मैंने इसमें आगे 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो मैंने इसलिए लिया है, मुझे बाइसेप प्लस पफी स्लीव्स बनानी थी, तो इसलिए मैंने पहले 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। मैंने फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल मार्क कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट का भी कर्व कट कर लूंगी। और ये देखिए मैंने फ्रंट का भी कट कर लिया है। अब मैं नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर दूंगी।
दूंगी और ऊपर एक रफ स्टिच दूंगी जो मैंने 5 इंच लिया था, सिर्फ वहीं पे मैं रफ स्टिच दूंगी और नीचे की साइड में 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के एक रफ स्टिच दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने रफ स्टिच दे दिए, मैंने इसकी गैदरिंग भी कर ली है दोनों साइड। अब मैं इसमें नीचे की साइड पट्टी अटैच करूंगी। और ये देखिए मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब मैं इसको स्लीव्स में अटैच कर लूँगी और मैंने इसे स्लीव्स में अटैच कर लिया। अब मैं इसके दोनों साइड स्टिच कर दूँगी और ये वही पार्ट है जो मैंने पहले कट करके अलग रख लिए थे। आप देख सकते हैं मेरे टोटल 6 पार्ट हैं। अब इन 6 पार्ट को मैं आपस में अटैच कर लूँगी। मैं नीचे की साइड डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी और ऊपर एक रफ स्टिच कर दूंगी क्योंकि मुझे गैदर्ड वो बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कर चुका है। अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी और ये मेरी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है।